हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट तो पहले भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये है उसकी प्लेलिस्ट। पर ये जो प्रोजेक्ट है वो कोई एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है। उसमें सिंपली प्रोडक्ट को हम फेच कराते थे, कैटेगरी वाइज उसको फिल्टर कराते थे, ये सारी नॉर्मल सी चीजें हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसका अपडेटेड वर्जन, यानी कि अभी हम जो क्रिएट करेंगे वो इसमें सारी चीजें होगी। जैसे कि ये जो बैनर दिख रहे हैं वो भी डायनेमिक हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है, कोई भी चीज हम यहाँ पर स्टेटिक नहीं रखेंगे, सारी चीज डायनेमिक होगी। और ये एक बेहतरीन एडवांस प्रोजेक्ट होने वाला है पाइथन जेंगो का। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए ये सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके टेम्पलेट को आपको बता देता हूँ। तो ये सीरीज में हम ये टेम्पलेट का यूज करने वाला है जिसका नाम है डुका मार्केट। तो ये एक बेहतरीन सा टेम्पलेट है और इसमें कई सारी चीजें हैं। यहाँ से कैटेगरी शो होती है जिस तरीके से अमेजोन में शो होती है, हम ये प्रोजेक्ट में अमेजोन का रेफरेंस लेंगे और ये कमाल का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से सारी चीजों को हम यहाँ पर डायनेमिकली क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से पेजेस, कई सारे पेजेस हम यहाँ पर दिए हुए हैं, माई अकाउंट, प्रोडक्ट डिटेल, कार्ट, विश लिस्ट, चेकआउट, कॉन्टेक्टर्स, यहाँ पर ब्लॉग भी लिख सकते हो तो ब्लॉग भी हम क्रिएट करेंगे। और शॉप में भी कई सारे पेजेस दिए हुए हैं जिसका यूज करके हम बेहतरीन प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, यहाँ से होम 1 है, होम 2 है, कई सारे पेज टेम्पलेट्स है, आप किसी का भी यूज करके ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर होम 1 जो है उसका ही यूज करेंगे और उसका यूज करके ही ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो नीचे की ओर यहाँ पर टॉप डील ऑफ द डेज, ये सारे यहाँ पर प्रोडक्ट के फेच हो रही है। इसी तरीके से हम सारी चीजों को डायनेमिकली हमारे डेटाबेस से यहाँ पर लाएंगे और ये ऐड टू कार्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट का सेटअप करना पड़ेगा। तो हम प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए पाइचाम एडिटर का यूज करेंगे, आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर सेटअप करता हूँ। आपको सिंपली कर देना है न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपने नया नया जेंगो सीखना स्टार्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से जेंगो आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नेम दूंगा YT e-commerce। चलिए मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। और ये जो सेटिंग्स है आपको डिफॉल्ट ही रखनी है, डिफॉल्ट सेटिंग रख के आपको क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। तो चलिए ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर लोड हो रही है। इसको लोड होने देते हैं। लोड होने के बाद हमें सबसे पहले तो जेंगो को इंस्टॉल करना है क्योंकि हम जेंगो फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं। चलिए ये सारी चीजों को होने देते हैं। आप जब तक ये सारी चीजें लोड हो रही है तब तक आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आपको ये टर्मिनल को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप टर्मिनल ओपन करोगे तो यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया और यहाँ पर एक्टिव भी हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। तो जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है, तो पिप इंस्टॉल जेंगो। जैसे ही आप पिप इंस्टॉल जेंगो लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो जेंगो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपके इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेट की सहायता से ये डाउनलोड होता है। और ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने इसलिए क्रिएट किया है, हम जब भी कोई मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे तो सारे मॉड्यूल्स हमारे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगे। जब भी हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, यानी कि हम सर्वर पर इसको रखेंगे, तब ये हमें ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं हमें चाहिए होंगे। तो चलिए ये हमारा जेंगो सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो ये कुछ हमारे वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग, ये जो पीप है उसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसी के रिलेटेड ये सारी वार्निंग हमें दे रही है। चलिए अब हमें यहाँ पर दो चीज़ों को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए कमांड है। सबसे पहले मैं आपको जेंगो के सारे कमांड आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको जेंगो एडमिन लग के एंटर प्रेस कर देना है।
तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कई सारे कमांड्स आपको तो देखने को मिलेंगे, जेंगो एडमिन। तो ये जैसे ही मैंने जेंगो एडमिन लिखा तो यहां पर कई सारे कमांड्स हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि रन सर्वर जिसका काम है हमारे जो लोकल सर्वर है उसको स्टार्ट करना, फिर माइग्रेट, मेक माइग्रेशंस, ये सारी चीजें। तो हम इसके इसका सभी का यूज हम बार बार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें यूज करना है हमें जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करना है, तो यहां पर दिया हुआ होगा। चलिए मैं आपको इसके कमांड को भी बता देता हूं। तो आपको सिंपली लिखना है जेंगो एडमिन फिर स्टार्ट प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहां पर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हो, मैं ई कॉमर्स लिखता हूं। तो मैंने यहां पर प्रोजेक्ट का नाम रखा है ई कॉमर्स। चलिए अब ये जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, और ये जो एक फोल्डर क्रिएट हुआ है ये फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, ये प्रोजेक्ट का नाम ई कॉमर्स। तो इसमें कई सारी पाइथन फाइल्स पहले से ही क्रिएट की हुई है। तो चलिए ये सारी चीजें हो गई। अब हमें ये जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है तो ये फोल्डर में हमें चले जाना है। तो फोल्डर में जाने के लिए सीडी कमांड का यूज करेंगे, सीडी फिर ये फोल्डर का नाम क्या है, ई कॉमर्स। तो मैंने जैसे ही सीडी करके ई कॉमर्स लिखा तो मैं आ गया ई कॉमर्स वाली डायरेक्टरी में। अब यहां पर हमें ये प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टरी है उसी के साथ हमें यहां पर एक ऐप को क्रिएट करना है। तो ऐप को क्रिएट करने के लिए जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, और यहां पर ऐप का नाम, तो मैं ऐप का नाम ऐप रख रहा हूं। तो मैंने ऐप का नाम लिखा है ऐप, तो यहां पर एक ऐप क्रिएट होगी। तो ये एक प्रोजेक्ट है और ये ऐप है वो एक ऐप है। तो ऐप में भी कई सारी पाइथन फाइल्स पहले से ही क्रिएट की हुई है, और प्रोजेक्ट में भी पाइथन फाइल्स पहले से ही क्रिएट की हुई हमें मिलती है। तो चलिए ये सारी चीजें तो हो गई। अब यहां पर एक और चीज है, ये जो ऐप हमने क्रिएट की है उसको हमें बता जेंगो को हमें बताना पड़ेगा कि हमने ऐप नाम की एक ऐप क्रिएट की है। तो जेंगो को हम कहाँ बताएंगे, तो जेंगो को हमें यहां पर ये जो इंस्टॉल ऐप का आपको एक सेक्शन मिलेगा, तो ये सेक्शन में आपको सिंपली यहां पर आपने जो भी ऐप क्रिएट की है उसका नाम दे देना है। तो मैंने ऐप नाम की ऐप क्रिएट की है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ऐप। अब यहां पर आपको सिंपली एक कमांड को रन करना है। जैसे ही आप मेक माइग्रेट वाले कमांड को रन करोगे तो ये जो भी सारी इंस्टॉल ऐप के जो सारी चीजें हैं, एडमिन और ये और ये सेशंस, मैसेज, स्टेटिक फाइल्स, ऐप, ये सारी चीजों को अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर सारी चीजें यहां पर अप्लाई होना स्टार्ट हो गई, और ये सारी चीजें यहां पर मेरी अप्लाई हो चुकी है। चलिए अब यहां पर एक बार ट्राई करते हैं कि हमारा जो जेंगो फ्रेमवर्क है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जैसे ही आप रन सर्वर करोगे तो आपका जो लोकल सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा जो लोकल सर्वर है वो स्टार्ट हो गया, और ये जो लिंक मिल रही है आपको, ये लिंक को आपको कॉपी करना है आप, और आपके जो वेब ब्राउजर है उस पर जाके उसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप उसको पेस्ट करोगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको बता भी रहा है द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशन। अगर आपको इस तरीके का आउटपुट आए तो आप समझ लेना कि आपका जो जेंगो फ्रेमवर्क है वो अच्छे से यहां पर वर्क कर रहा है।